मैं 19 साल की गांव की विधवा नदी किनारे नहाने गई थी। डुबकी लगाकर उठी तो सामने एक अजनबी मर्द को देखकर मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया, क्योंकि मैं एक सफेद साड़ी में थी। मैंने उसे जाने को कहा, पर मेरे जिस्म को देखकर वो बहक गया। मेरे करीब आकर मुझे छूने लगा। मैं भी मचलने लगी तो मुझे उठाकर हवेली में ले आया, फिर मेरे साथ। दोस्तों, ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम ज्योति है, मैं एक विधवा हूँ और एक विधवा के जज्बात बयान करने जा रही हूँ। मेरी उम्र मात्र 19 साल की है। अभी एक साल पहले मेरी शादी हुई थी। 6 महीने में मेरे पति की मौत हो गई। मेरे ससुराल वाले मुझे ही भला बुरा सुनाने लगे थे। कहने लगे, तू ही अपशगुनी है, यहाँ आते ही पति को खा गई। मेरी सास और जेठ जेठानी मेरे साथ खराब बर्ताव करने लगे थे। मेरे जेठ जी की बुरी नजर मुझ पर थी, क्योंकि इतनी कम उम्र में मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। मेरे पास कोई मर्द का साथ न था। मैं भी रात भर आहें भरती रह जाती और यही सोचती रहती, भरी जवानी में मैं विधवा हुई हूँ। मेरे अंदर की आग को शांत करने वाला कोई न था। मेरे दिल की बात सुनने वाला कोई न था। मेरी जेठानी जी भी समझ चुकी थी कि मेरे जेठ जी की नज़र मुझ पर है। घर में मेरे लिए जीना दुश्वार कर दिया। वह चाहती थी कि मैं अपना ससुराल छोड़कर अपनी माँ के पास वापस चली जाऊँ। मैं दिन भर घर का सारा सारा काम करती थी। उसके बाद भी सास और जेठानी मुझे ताना देने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। मेरे मायके वाले भी बहुत गरीब थे। हम 3 बहनें और 1 भाई है। मैं घर में सबसे बड़ी थी। मुश्किल से मम्मी पापा ने मेरी शादी करवाई थी। और 2 बहनें हैं जो शादी के लायक है। अपने घर जाकर बैठ जाऊंगी तो उनका क्या होगा, यह सोचकर मैं मन मार कर रह गई थी। मेरे जेठ जी को भी अब मौका मिलता तो मेरे करीब आ जाते और मुझसे कहते, तू अकेली कैसे दिन काटेगी। एक दिन घर पर कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी। तभी जेठ जी घर पर आ गए। मुझसे कहने लगे कि घर पर तू आज कोई भी नहीं है, मैं जानता हूँ तुम किस कदर प्यासी हो। आओ आज तुम्हारी प्यास मिटा देता हूँ। तुम्हें देख देख कर तो मेरी भी प्यास बहुत बढ़ गई है, पर तुम्हारी जेठानी के डर से मुझे मौका नहीं मिल पाता कि मैं तुम्हारी जरूरत को पूरा करूं। मैं अंदर से बहुत अकेली थी और मैं यही सोचती थी कि मेरी जवानी कैसे काटूंगी। लेकिन फिर भी मैंने अपने जेठ के बारे में ऐसा ख्याल दिल में नहीं लाया था। मैं तो अपनी जिंदगी में एक ऐसा मर्द चाहती थी जो मुझे अपना ले, मुझसे दोबारा शादी कर ले। मैं नाजायज रिश्ता नहीं चाहती थी, या फिर चाहती थी पता नहीं। यह बात कहना झूठ होगा कि मेरे दिल में आस नहीं थी। पिछले 6 महीने से मैं अकेले ही तड़प तड़प कर रात काट रही थी। यह जानते हुए भी कि मेरे जेठ की बुरी नजर मुझ पर है, मैं किसी तरीके का मर्यादा तोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि औरतें एक बार बदनाम हो जाए तो समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। मैं कोई शहरी लड़की नहीं बल्कि गाँव की लड़की हूँ। गाँव में तो मेरा जीना दुश्वार हो जाएगा और सारे गलत लोग मुझ पर नजर बनाए बैठे रहेंगे। जेठ जी हसरत लिए मेरी ओर देख रहे थे। मैंने कहा, जेठ जी आप जो कह रहे हैं वह सही नहीं है, आप यहाँ से चले जाए। भले ही मैं अंदर ही अंदर अकेली हूँ, पर मैं आपको वह नहीं दे सकती जो आप मुझसे चाहते हैं। मेरे जेठ बहुत ही आश्चर्य से मुझे देखने लगे। कहा, तू तो हर वक्त मुझे घूरती रहती है, मैंने तुझे देखा है। जब भी मैं तेरे सामने से गुजरता हूँ तू मुझे ही देखती रहती है। तेरे मन में क्या है मुझे सब पता है, फिर आज तू नखरे क्यों दिखा रही है, जब तुझे मैं वह सब कुछ देने को तैयार हूँ। मैं मन ही मन सोचने लगी थी, शायद मेरी नजर काम करते हुए उनकी ओर चली जाती थी। यह मेरा अकेलापन था, मैं चाहती थी कि कोई मुझे भी देखे। यह तो इंसान के लिए बहुत ही स्वाभाविक है, किसी को देखने और किसी के साथ संबंध बनाने में बहुत फर्क है। मैं उन्हें साफ साफ ना कर दिया। इस बात से वो काफी गुस्से में आ गए थे। उनकी वजह से मैं अब तक इस घर पर टिकी हुई थी, वरना घर के बाकी लोग तो मुझे यहाँ से निकाल देना चाहते थे। उनको ना कहते ही मुसीबत का पहाड़ मेरे ऊपर टूट पड़ा। मुझे उन लोगों ने घर से धक्के मारकर निकाल दिए। मजबूरी में मैं अपने मायके आ गई थी। मेरे मायके वाले तो पंचायत बैठाना चाहते थे। उनको ऐसा लगता था कि वह मुझे अपने घर से नहीं निकाल सकते। मेरे ससुराल में मेरा भी उतना हक है जितना बाकी लोगों का है, पर मैं अपने ससुराल में
वापस नहीं जाना चाहती थी क्योंकि मैं जेठ का दोबारा सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं अपने मायके में ही रह गई। गांव में इधर उधर काम करने लगी थी। राज चाहते हुए भी गांव के मर्दों की तरफ मेरी आंख चली जाती थी। मुझे लगता था शायद कोई मुझे पसंद कर ले और मेरी जरूरत पूरी हो जाए। कोई ऐसा मर्द हो जो मुझसे शादी को तैयार हो जाए। बिन शादी के तो मर्द आगे आ जाएंगे, पर मैं बदनाम नहीं होना चाहती थी। अपनी इज्जत के साथ जीना चाहती थी। मुझे जो भी काम मिलते थे मैं करने लगी थी ताकि अपने मायके वालों का सहारा बन सकूं। मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी की बात दोबारा कभी न की। वह मेरी बहनों के लिए रिश्ता ढूंढने लगे थे। एक एक करके मेरी बहनों का भी रिश्ता तय हो चुका था और शादी भी हो गई। अब मैं घर पर अपने मम्मी पापा और भाई के साथ ही रह गई थी। गाँव की विधवा औरतें अक्सर अकेली रह जाती है। कोई ऐसी औरत से शादी नहीं करना चाहता। रात के वक्त मैं अकेली होती थी। मैं खूब रोती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं अपनी जिंदगी कैसे बिताऊंगी। तभी मुझे पता चला कि पड़ोस के गांव की हवेली में एक जमींदार के यहाँ कुछ काम मिल रहा है। काम मिलने की उम्मीद लेकर मैं उस गांव में चली आई थी। अपने गांव में मेरा मन नहीं लगता था। एक खालीपन मेरी जिंदगी को इस कदर घेर लिया था कि मेरा दम घुटने लगा था। मैं हर हाल में एक मर्द के करीब जाना चाहती थी। शायद मेरी जवानी का जोश था या फिर मेरा अकेलापन, पता नहीं, क्योंकि जब भी मैं किसी औरत और मर्द को एक साथ देखती थी तो मुझे अपने पति की याद आने लगती थी और मैं मन ही मन दुखी हो जाती थी। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। 6 महीने के दौरान हम दोनों एक साथ बहुत अच्छी जिंदगी बिताई थी। मैं उनके साथ बहुत खुश थी। न जाने क्या क्या सपने देखे थे। एक रोज उन्हें ऐसा बुखार आया जिससे कुछ दिनों के अंदर उनकी जान चली गई और मैं यूं ही तन्हा और बेसहारा रह गई। पति की मौत के बाद एक एक रात मुझे जैसे काटने को दौड़ता था। अपने दिल की बात बता पाऊं ऐसा कोई साथी भी न था। मेरी सारी सहेलियों की भी शादी हो गई थी। शादी के बाद तो वह लोग मुझसे रिश्ता रखती थी, लेकिन जैसे ही सबको पता चला कि मैं विधवा हो गई हूँ, शुरू में तो सहारा दिया था, फिर उसके बाद मुझसे दूरी बना ली थी। मुझे किसी भी त्योहार पूजा पाठ में नहीं बुलाते थे। मेरी सहेलियों को ऐसा लगता था मानो मैं उनके पति को उनसे छीन लूंगी, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत थी, ऊपर से विधवा। सभी सोचते थे कि विधवा औरतें अकेली होती है, इसलिए मर्द को अपने ओर आसानी से आकर्षित कर सकती है। पर मैं अपने दोस्तों अपनी सहेलियों के घर क्यों उजारूंगी। कोई एक इंसान नहीं था जो मेरे साथ रहता। मेरी बहनें ही मुझसे दूरी बनाने लगी थी। उनको पसंद नहीं था कि मैं उनके पतियों के साथ कोई बात करूं। वह भी डरती थी कि उनके पति मेरी ओर आकर्षित ना हो जाए। ऐसे में अपने गाँव को छोड़कर मैं दूसरे गाँव आ गई थी। जमींदार साहब की हवेली में काम भी ले लिया था। हवेली में काम करते हुए मुझे 1 महीना हो गया था। एक दिन मैं नहाने के लिए नदी में गई हुई थी। उस दिन मैं बिल्कुल अकेली थी और साथ काम करने वाली नौकरानियां मेरे साथ नहाने को नहीं आई थी। नदी के इस हिस्से में सिर्फ औरतें आती थी, इसलिए मर्दों का आना मना था। यह घाट औरतों का घाट था, तो मैं घाट में चली आई। मैं अपने जिस्म में बस एक सफेद साड़ी लपेटी हुई थी और नदी में उतरकर नहाने लगी थी। मैं डुबकी लगा लगा कर नहा रही थी। नदी का ठंडा पानी मेरे अंदर की आग को, मेरे अंदर की तकलीफ को शांत कर रहा था। मुझे एक खुशनुमा एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी परियों की दुनिया में हूँ। मेरे अंदर एक शांति थी। मैं आखिरी डुबकी लगाकर जैसे ही उठी, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। डर और शर्म के मारे मेरा चेहरा लाल हो गया था। काटो तो खून नहीं। ऐसी हालत में मैं बड़ी बड़ी आंखें करके अपने सामने देखने लगी थी। मैं जो देख रही थी मानो मेरी आंखों को यकीन नहीं हो रहा था। मुझे लगा शायद मैं सपना देख रही हूँ, क्योंकि यह हकीकत तो हो नहीं सकती थी। यह मेरे अंदर का अकेलापन ही था जिसमें मुझे वह चीज दिखाई दे रही थी जो असल में नहीं है। इतनी अकेली और तन्हा हूँ। क्या मेरे अंदर इतनी आग है कि मैं एक इंसान को देख रही हूँ, एक मर्द को देख रही हूँ, वो भी औरत के घाट में। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। पर मेरी घबराहट तब शुरू हुई जब अजनबी मर्द मेरे करीब आने लगा। मैं कोई सपना नहीं देख रही थी, बल्कि यह तो हकीकत है। पर यह है कौन? मैं इसे न अपने गांव में कभी देखा है, न ही इस गांव में कभी देखा है। मुझे जल्दी से कुछ सोचना पड़ेगा। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह औरतों का घाट है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि यहाँ से चले जाओ। वह आगे बढ़ता गया। मैंने कहा,
आगे एक भी कदम मत बढ़ाना। वह मेरे एक हाथ सामने आ चुका था, तभी मुझे अपने हालत का एहसास हुआ। मैं एक सफेद साड़ी में थी। पानी में भीगने के कारण मेरे जिस्म के अंग साफ साफ नजर आ रहे थे। उसकी नजर मेरे चेहरे के साथ साथ मेरे जिस्म पर भी था। मेरे अंगों को देख रहा था। उसे भी मानो यकीन नहीं हो रहा था। मेरे बिल्कुल करीब आ गया और मुझसे कहा, तुम कोई जलपरी हो क्या? मैं तुमसे खूबसूरत औरत इससे पहले नहीं देखी, कहकर वह मेरे बिल्कुल करीब आ गया था। मैंने उसे गौर किया तो बहुत ही हैंडसम लड़का था। काफी लंबा और अच्छी बॉडी थी। रंग थोड़ा गाढ़ा था, आंखें बड़ी बड़ी थी, जिस्म बिल्कुल मर्दाना था। उसने मेरी नजरों को भांप लिया। जाने क्यों, विधवा होने के कारण या अकेले होने के कारण मैं उसे जैसे देख रही थी वैसे शायद देखना नहीं चाहिए था। शायद एक शरीफ औरत की तरह नजरें झुका लेनी चाहिए थी। मेरे साथ ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। पति की मौत के बाद एक जेठ ही थे जो मेरे करीब आने की कोशिश किए थे, जिसे मैंने मना कर दिया था। और पहली बार कोई मुझे हसरत भरी निगाहों से देख रहा था, तो मैं भी अंदर ही अंदर मचलने लगी थी। मेरे करीब आकर उसने मुझे छुआ तो मैं बिल्कुल पानी पानी हो गई। नदी के बीच में मुझे पकड़कर एक डुबकी लगाई, मुझे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उसके हाथ मेरे खुले हुए पीठ पर थे। मध्यम सांसें चलने लगी। नदी के किनारे ठंडी ठंडी हवा से मेरा दिल मचलने लगा था। मेरी सांसें तेज होती जा रही थी। तभी उसने अपने होठ मेरे होठों पर रख दिए। मैं अपने होशोहवास खो बैठी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मुझे उठाकर अपनी हवेली लेकर आ गया। वह हमारे ठाकुर का बेटा था, मुझसे प्यार करने लगा और मैं आत्मसमर्पण कर दिया। शायद मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। क्या सही है, क्या गलत है, मैं भूल चुकी थी। दुनिया ने मेरे साथ जो किया था, जो दर्द मेरे अंदर था, मैं अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठी थी और उसने मुझे अपना बना लिया था। लेकिन उसके बाद मैं होश में आ गई थी। ठाकुर साहब का बेटा शहर में रहता था, उसकी पत्नी और बेटा भी उसके साथ रहते थे। लेकिन बड़े ठाकुर साहब अपने बेटे को बहुत दिनों से गाँव बुला रहे थे, क्योंकि ठाकुर साहब की उम्र होने लगी थी। वह चाहते थे कि उसका बेटा गाँव की जमीन को संभाले। उनके बेटे इस बात को मान गए थे कि 3 दिन गांव में रहेंगे और बाकी दिन शहर में। यह जानते हुए कि शादीशुदा है, मैं क्या भूल कर बैठी थी। होश आने पर मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा था। मैंने ठाकुर साहब के बेटे से कहा कि मुझसे गलती हो गई है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात न सुनी। कहा वो जो चाहते हैं, अगर मैं उन्हें न दूं तो गाँव में मुझे बदनाम कर देंगे, सबसे कह देंगे कि हम दोनों के बीच में क्या हुआ था। अब जब भी वे गांव में रहते थे, मेरे साथ रात गुजारते थे, चोरी छुपे आते थे ताकि किसी को कानों कान खबर ना हो सके। अब मुझे जो चाहिए था मिल तो रहा था, पर मैं खुश नहीं थी। इस रिश्ते से बहुत तंग आ गई थी। मैं इस गलत रिश्ते में नहीं फंसना चाहती थी। बस मुझे एक बार भूल हो गई थी, उसके बाद ही मैं इससे निकल जाना चाहती थी। जब भी छोटे साहब मेरे कमरे में आते थे, मेरा दम घुटने लगता था। मेरे अंदर उनके लिए मोहब्बत नहीं, बल्कि दिन पर दिन नफरत पैदा होती जा रही थी। मैंने उनसे बहुत मिन्नतें की थी, पर वह मेरी बात नहीं सुनता। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। ठाकुर साहब ने यह बात नोटिस किया तो मुझे अपने पास बुलाया और पूछा, क्या बात है, तुम आजकल इतनी परेशान क्यों रहती हो? मैं ठाकुर साहब के पैर पड़ गई और रोने लगी थी। मैंने सब कुछ बता दिया, जो मेरी गलती थी वह भी, और जो छोटे साहब ने किया था वह भी। जब छोटे साहब गाँव आए तो बड़े ठाकुर साहब ने उन्हें बुलाया और कहने लगे कि तुम ज्योति के साथ गलत कर रहे हो। राघव साहब तो बहुत हैरानी हुई कि उनके पापा को सारी बात कैसे पता लगी। अपनी सफाई देने लगा था, लेकिन बड़े ठाकुर साहब ने अपना फैसला सुना दिया कि तुम्हें ज्योति से शादी करके उस गांव में ही रहना होगा। राघव पापा की बात मान गए थे और मुझसे शादी कर ली। बड़े साहब ने यह फैसला इसलिए किया था कि उनका बेटा गाँव से जुड़ा रहे। लेकिन उसके बाद मेरे पति ने मेरा बहुत ख्याल रखा और साल भर के अंदर मैं माँ बनने वाली थी। उनकी पहली पत्नी शहर में रहती थी, मुझसे मिलने भी आ गई थी। हालांकि वह मेरे और राघव के रिश्ते से खुश नहीं थी, लेकिन बड़े ठाकुर साहब के फैसले को मानने को मजबूर थी। उनकी पहली पत्नी की वजह से ही राघव गांव छोड़कर शहर चला गया था, लेकिन अब मेरी वजह से ही वह शहर से गाँव आता था। उसे मुझसे मोहब्बत हो गई थी पहली नजर में ही, जब उसने मुझे देखा था, और मैं भी राघव से मोहब्बत करने लगी थी।
अब मेरे पति अच्छे बाप और पति होने का फर्ज अदा किया। यह थी मेरी जिंदगी की कहानी, पर मैं यही सोचती हूँ कि विधवा औरत को समाज इस नज़र से क्यों देखता है और अकेली क्यों रह जाती है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।